उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाली बड़ी ग्राम पंचायत माने जाने वाले इंगोरिया ग्राम पंचायत में इस समय जबरदस्त चुनावी समर दिखाई दे रहा है। इंगोरिया ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ने वाले गांव की बहू वर्षा नरेंद्र सिंह सोलंकी का इंगोरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनसंपर्क चल रहा है, जिसमें स्थानीय रहवासी और उनके परिवार के साथ ही समर्थक मौजूद हैं। चुनावी जनसंपर्क में वर्षा सोलंकी के ससुर गणपत सिंह सोलंकी पूर्व सरपंच हैं। इंगोरिया ग्राम पंचायत के और उनके कार्यकाल में तमाम विकास कार्य करवाने की कोशिश की गई है। उनके ससुर गणपत सिंह सोलंकी के द्वारा और इस समय पुत्र वधु वर्षा नरेंद्र सिंह सोलंकी जो इंगोरिया ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं, उनका जनसंपर्क चल रहा है। बताइए आप कहाँ रहते हैं? बुढ़ावन गांव में रहते हैं। अच्छा भाऊ जी, बताइए आप पूर्व सरपंच साहब हैं जो गणपत सिंह जी साहब, उनको उनके परिवार को कब से जानते हैं और क्या रहता है? बहुत बढ़िया परिवार है, सिंपल परिवार है, किसी को भी दुख भी नहीं देते हैं, दुखी हो उसको सुखी भी कर देते हैं। अगर आप लोग कुछ काम पड़ता है या कुछ मदद की जरूरत पड़ती है तो यह परिवार आप लोगों की सुनवाई करता है, मदद करता है आपकी? बिल्कुल, आधी रात को। अच्छा, आप लोगों को विश्वास रहता है कि इनके पास जाएंगे तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, सब काम होगा? विश्वास पक्का है हमको। अच्छा, कितने, अच्छा ये बताइए आप कितने साल जुड़े हुए हैं इनसे? तो हमसे हो गए कम से कम 25-30 साल। सोलंकी साहब को कब से जानते हैं आप? कब से? 20 से 22 वर्ष। कैसा है ये परिवार और किस प्रकार सुनवाई करता है आप लोगों की? बहुत बढ़िया है, गरीबों के साथ है, आधी रात को जाओ तैयार है साथ में। पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों की समस्या परेशानी अगर आप बताते तो काम होता है, सुनवाई होती है? पहले भी हुआ और अब भी होगा। अच्छा, ऐसी उम्मीद है। आप लोग कितने वर्षों जुड़े हुए बताइए? हम तो 20 वर्ष से ज़्यादा से जुड़े हुए। अच्छा, उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।